केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन वेरियस एटम टू होल्ड देन इन ए मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में किसी परमाणु को आपस में बांधे रखने के लिए आवश्यक बल या आवश्यक बल या एनर्जी को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड की कंडीशन फॉर केमिकल बॉन्डिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम। ये दोनों कंडीशन केमिकल बॉन्ड के निर्माण के लिए, केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए आवश्यक है। फर्दर इसको क्लासिफिकेशन किया जा सकता है दो पार्ट में, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड बेसिस ऑन बाइंडिंग एनर्जी, बंध ऊर्जा। जिसने बंध के निर्माण के लिए आवश्यक 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी या किसी बंध के निर्माण के लिए आवश्यक एनर्जी 2 से 40 किलो जूल पर मोल। यदि एनर्जी 200 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और लगभग 2 से 40 किलो जूल पर मोल तो वीक बॉन्ड। फर्दर इसको क्लासिफिकेशन किया जा सकता है आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को चार पार्ट में क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक एंड देन वीक बॉन्ड को टू पार्ट में क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, एज बॉन्ड, वैन डर वाल्स बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। किसी आयनिक बंध के निर्माण के लिए ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन या इससे अधिक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनने वाले बंध को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। एग्जाम्पल है इसका NaCl, Na एक इलेक्ट्रॉन देगा Cl को और बनेगा Na प्लस और Cl माइनस। जो Na प्लस और Cl आपस में बंधी हुई है किसी अट्रैक्शन फोर्स से, इसे कहेंगे NaCl और बनेगा आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ए कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम, किसी दो एटम्स के मध्य बनने वाला बंध, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के शेयर से। एग्जाम्पल है HCl Cl2। कंडीशन इसकी एक